दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश यादव एडवर्ट सेडब्ल्यूएस टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से धन्यवाद मानता हूँ। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि जीएमडब्ल्यू प्रोसेस के ऊपर अभी हम लोग ने ये सब हमारे कुछ वीडियोस बना रहे, इसमें जीएमडब्ल्यू प्रोसेस क्या होता है और मीग मैग और एफसीडब्ल्यू का टर्म्स कभी यूज करना है वो हम लोग ने सीखा। अभी हम लोग ये सीखने कि जीएमडब्ल्यू जो हम लोग प्रोसेस जो सीखते हैं तो वेल्डिंग मशीन जो हम लोग यूज करते हैं उसको कौन सा पोलैरिटी यूज करना चाहिए और उसका मेन फंक्शनिंग कैसा होता है उसके बारे में आज हम लोग को जानकारी देने वाले। दोस्तों जीएमडब्ल्यू प्रोसेस हम लोग जब यूज करते हैं उसमें टोटल तीन पार्ट्स रहते हैं। एक तो आपका मशीन रहता है, उसमें वायर फिटर रहता है, सिलेंडर रहता है और आपका एक पार्ट्स रहता है। दोस्तों उसमें जब आप वेल्डिंग करते हो तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो मशीन का ट्रांसफार्मर क्या करता है, पॉजिटिव पोल पे 70% और नेगेटिव पोल पे 30% पोलर करंट भेजता है और पॉजिटिव पोल का जो करंट रहता है वो क्या रहता है, वायर फीडर से कनेक्ट रहता है और वायर फीडर से कनेक्ट होके टॉर्च के माध्यम से कॉन्टैक्ट टिप के जरिए इसमें क्या होता है, जॉब में करंट पास होता है पॉजिटिव पोल का और अर्थिंग क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं वहाँ पे 30% का करंट रहता है। ये जो पोलरिटी का प्रकार है उसे वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। दोस्तों आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो ट्रांसफार्मर के जरिए क्या करता है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का मेन काम करता है, बराबर है। तो वेल्डिंग मशीन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करके एक जगह पे 70%, नेगेटिव पोल पे 30% का करंट भेजना। उसके बाद में वेल्डिंग मशीन का जो पॉजिटिव का कनेक्शन जो रहता है उसमें एक वायर फिल्टर रहता है, वायर फिल्टर के पीछे लगाया जाता है और वायर फिल्टर में क्या रहता है, हम लोग क्या स्पूल लगाते हैं और स्पूल का जो वायर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो रोलर रहता है, दो रोलर के बीच में से जाता है और रोलर के बीच में से जाके आगे अपना टॉर्च रहता है, वो टॉर्च को अंदर से जो है वायर ट्रैवल करते हुए उसके आगे कॉन्टैक्ट टिप रहता है, कॉन्टैक्ट टिप से बाहर आता है। अभी कॉन्टैक्ट टिप से जब भी वायर बाहर आता है तो हम लोग को उसको खाली 10 mm तक आगे रखना है। उसके बाद में जो वायर फिटर रहता है, वायर फिटर में एक सोलेनोइड वाल्व भी रहता है, वो क्या करता है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं जब भी टॉर्च का ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होता है, रोलर और सोलेनोइड वाल्व एक ही टाइम पे ऑपरेट होते हैं, वायर फिटर से वायर आगे निकलने का काम होता है और दूसरा जो रहता है सोलेनोइड वाल्व उधर से क्या होता है, गैस का पासिंग होता है। तो गैस जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्टिव गैस यूज करते हैं या इनर्ट गैस यूज करते हैं और उसका भी कनेक्शन हम लोग वायर फिटर के पीछे वाले जो सोलेनोइड वाल्व रहता है उसमें हम लोग वो कनेक्शन देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने इसमें तीन पार्ट देखे, एक तो क्या देखा, वेल्डिंग मशीन और उसका ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग मशीन क्या करता है, 70% पॉजिटिव पोल पे करंट भेजता है, 30% नेगेटिव पोल पे, वो वायर फिटर से कनेक्टेड रहता है, वायर फिटर को करंट पासिंग करता है। तीसरा उसके बाद में गैस का सिलेंडर रहता है, गैस के सिलेंडर से वायर फिटर को कनेक्ट रहता है, वायर फिटर से वो टॉर्च के अंदर से गैस क्या करता है, सप्लाई करता है। अभी जैसे आप वेल्डिंग मारने जाते हैं, जैसे आप टॉर्च का ट्रिगर दबाते हो क्या होता है कि सर्वो मोटर जो रहता है वो ऑन होता है, वो क्या करता है, रोलर घूमना चालू होता है और वायर को आगे पुश करता है और वही वायर आगे आके आपके कॉन्टेक्ट टिप के जरिए बाहर आता है और जॉब के ऊपर जब भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और शुरुआत में वोल्टेज ज्यादा होता है उसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है और उसका स्पार्क जनरेट होके आर्क जनरेट होता है वहां पे और सेम टाइम में वहां पे सोलेनोइड वाल्व के जरिए गैस भी क्या होता है, पास होता है और जब भी मटेरियल में आर्क जनरेट होता है, मटेरियल पिघलना चालू होता है, वैसे ही वो गैस भी क्या करता है, उसको पूरा तरीके से क्या करता है, वो शील्डिंग करता है। तो दोस्तों मैंने ये आपको एक शॉर्ट में बताया कि जीएमडब्ल्यू प्रोसेस करने के टाइम वेल्डिंग मशीन, पहले तो पोलैरिटी मैंने बताया, उसके बाद वेल्डिंग मशीन, वायर फीडर और जो गैस का सिलेंडर, ये लोग का सिंक्रोनाइजेशन होकर वेल्डिंग कैसा होता है मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया। दूसरा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर समझो आपको 100% CO2 का गैस है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हीटर लगाते हैं क्योंकि CO2 का गैस जो है -4 degree Celsius पे क्या होता है, सिलेंडर में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं, वेल्डिंग में फेल जाते हैं, वहाँ पे वेल्डिंग होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आज वेल्डिंग मशीन, उसके बाद में वायर फीडर, टॉर्च, हीटर और गैस, ये पांचों का इस्तेमाल करके जीएमडब्ल्यू का प्रोसेस कैसा होता है, वेल्डिंग कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग ने जानकारी लिया। तो दोस्तों ऐसे नए नए वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों तक ये
जरूर पहुंचाए क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़े और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा नॉलेज ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग तक पहुंचे और वो अपने काम में और एक्सपर्ट बने और ज्यादा से ज्यादा उनके करियर में ग्रोथ करे। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं प्रकाश जाधव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।